Dear students, in earlier video I have explained the great stone face lesson 9 part 1st, and now I am going to explain rest part of meaning second part of lesson 9, the great stone face. The years went on matlab jari raha. वर्ष बीतते गए. द अर्नेस्ट ग्रीव टू बी यंग मैन, और अर्नेस्ट एक नौजवान व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ. ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, मतलब ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द लिविंग पर्सन ऑफ द वैली. वैली के मतलब घाटी के लोगों द्वारा वह अट्रैक्टेड हुआ, मतलब आकर्षित हुआ, लोग उसे पसंद करने लगे. दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ एक्सेप्ट दैट मैन the labor of the day was over and he still loved to gaze upon the great stone face. These are nothing remarkable in his way of life. वो अपने जीवन में कुछ विशेष चीज़ नहीं देखे, विशेष कुछ नहीं समझे, except that इसके सिवा when the labor of the day was over, मतलब दिन का काम समाप्त होता था, he still loved to gaze upon the great stone face. वह ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा अभी भी निहारता था, देखता था. देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज फोली बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस काइंड एंड नेवरली. देखिए क्या कह रहा है कि देयर आइडिया, उनका आइडिया था दिस वॉज ए फोली. दिस वॉज ए फोली मतलब दिस वॉज नॉट ए मैटर ऑफ इंटेलिजेंसी, मतलब बुद्धिमानी का काम नहीं है. बट लेकिन पार्डनेबल अक्षम्य था, लेकिन क्या था, अक्षम्य था, जिसे क्षमा न किया जा सके, जिसे अवॉइड न किया जा सके. ऐसे को विकास, क्योंकि अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, अर्नेस्ट काफ़ी मेहनती था, दयालु था, एंड नेवरली मतलब पड़ोसियों के साथ रहने वाला था. नेवरली मतलब एक तरह से कह सकते हैं पड़ोस के साथ अच्छे संबंध बिताने वाले. दे डिड नॉट नो दैट ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम ए टीचर टू हिम. वे नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस उसका एक टीचर हो गया, गुरु हो गया. एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस इन ई टू डी लार्ज द यंग मैन्स हार्ट, और जो एंड सेंटिमेंट जो है भावना, वह भावना जो उस व्यक्त की जाती है उसके मन में इन लार्ज द यंग मैन हार्ट, यंग मैन के हार्ट को, यंग मैन उस नौजवान व्यक्ति के हार्ट को विकसित कर दिया, विस्तृत कर दिया. एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट्स, और इसे डीपर सिंपैथी मतलब गहरी सहानुभूति से अन्य की अपेक्षा इसे विशेष तौर पर गहरी सहानुभूति से भर दिया. इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड व्हेन एनीवन गॉट सो मच काइंडनेस इन हिज हार्ट एंड शोस काइंडनेस टू अदर. दयालुता सबके अंदर नहीं होती है, और अगर ये आपके अंदर है तो निश्चित तौर पर आप ईश्वर की एक अद्भुत रचना है, और वह अर्नेस्ट के अंदर था. They did not know that from his would come a better wisdom than could learn from the books. वे नहीं जानते थे कि यह इतना ज्ञान उसे किताबों की अपेक्षा कहाँ से आया, कैसे मिला. Neither did न तो Ernest know that the thought which came to him कि विचार जो मेरे अंदर आया वह naturally कहाँ से आया. In field and fireside वेयर ऑफ ए हायर टोन देन दोज विच आर मेन शेयर विथ हिम. वह इस बात को खुद नहीं जान पाए कि सो डीपेस्ट विजडम फ्रॉम वेयर आई हैव गेट, बट द विजडम विच ही शेयर वॉज रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ए सिंपल साउल, एक साधारण आत्मा, साधारण व्यक्ति, सिंपल, इतना सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम, जब उसकी माँ पहले उसकी ओल्ड स्टोरी के बारे में बताई. ही बी हेल्ड द मार्वेलस फेस लुकिंग डाउन एट द वैली. बी हेल्ड मतलब देखा, उसने
उस मार्वेलस मतलब उस शानदार चेहरे को देखा, घाटी में शानदार चेहरे को देखा है, स्टिल वंडर, और अभी भी आश्चर्य है व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, की मतलब इसके अंदर इतना ह्यूमन लाइक मानव से मिलती हुई आकर इतने दिन से चलती क्यों चली आ रही है। By this time, इस समय मिस्टर गेदरगोल्ड वाज डेड, गेदरगोल्ड एक्सपायर कर गए, मर गए एंड बरी दफना दिए गए। हिज वेल्थ उनका धन, विच वाज बॉडी जो उनकी शरीर थी, एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंट और उनकी आत्मा एक अस्तित्व था, हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के पहले ही वो सब क्या हुआ, समाप्त हो गया। कहने का मतलब ये है शरीर का अस्तित्व, धन का अस्तित्व ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, जो भी वो कमाए थे वो सब क्या हुआ, गायब हो गया, मतलब समाप्त हो गया उनके मृत्यु के पहले। सिंस दी मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, उनका सोना पिघलता गया मतलब समाप्त होता गया, इट हैड बीन जनरली एग्रीड, साधारण रूप से सब लोग स्वीकार कर लिए, दैट देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द रूइन मर्चेंट, मरे हुए रुइन मतलब होता है बर्बाद, लेकिन यहाँ मरे हुए खंडहर मर्चेंट में कोई वैसी विशेष समानता नहीं थी, एंड मैजेस्टिक फेस अपॉन दी माउंटेन, और मैजेस्टिक वह फेस जो है वो विशाल पर्वत का जो चेहरा है, ग्रेटेस्ट उन फेस का जो चेहरा है वो इससे मिलता जुलता नहीं था। इट्स सो हैपेंड, ऐसा हुआ दैट एंडरसन ऑफ द वैली हैड बिकम सोल्जर मेनी ईयर्स बिफोर, और बहुत वर्ष पहले ऐसा हुआ कि उसी वैली का एक दूसरा बेटा आर्मी में हो गया, सिपाही हो गया, आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, काफ़ी लड़ाई के बाद ही है वाज नाउ ए फेमस कमांडर, वह फेमस कमांडर हो गया था। ही वाज नोन एट द बैटल फील्ड ऑफ बाय द नेम ऑफ बोल्ड एंड थंडर ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, और बैटल फील्ड में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था, वह क्या हुआ अब ओल्ड हो गया और थक गया था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिज़ायर टू रिटर्न हिज नेटिव वैली, उसे बाद में अपने नेटिव वैली उस घाटी में आने की एक इच्छा जाहिर किया। दिन एन एबटेंट्स हिज ओल्ड नेबर्स एंड ग्रोन अप चिल्ड्रेन प्रिपेयर टू वेलकम द रिन्यूड कमांडर, और जो इनहेबिटेंट्स निवासी थे वो उसके पुराने पड़ोसी थे, और जो नौजवान बच्चे थे वह उसका अपने आने वाले इस नए कमांडर का स्वागत करने के लिए तैयार थी। इट वाज बीइंग सेड, ऐसा कहा जाता था, दैट द लास्ट ऑफ लास्ट द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, ऐसा कहा जाता था कि अंत में ग्रेट स्टोन फेस जैसा रिजेंबल करने वाला चेहरा वाकई आ गया था। ग्रेट देयर फोर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, पूरे घाटी में एक उत्साह था, एक्साइटमेंट था, उत्तेजना था, क्योंकि मतलब ग्रेट स्टोन फेस से सिमिलर चेहरा आ रहा था। एंड मेनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ग्लैंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंड मच टाइम टू गेजिंग एट इट, और बहुत से ऐसे लोग जो इस बात को सुने अब ग्रेट स्टोन फेस का को घंटों निहारते थे, अपना समय उस पर देते थे इसे निहारने में, फार क्योंकि द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर, लोग यह जानने के लिए कि जनरल ब्लड एंड थंडर कैसा दिखता है। On the day the general's arrival, general arrival के आने के दिन, Ernest and all the other people of the valley left their work. Ernest और valley के अन्य लोग अपने काम को छोड़ दिए and proceeded to the spot, और उस स्थान पर पहुँचे where the great banquet had been prepared, जहाँ पर एक बड़ी दावत, banquet मतलब दावत होती है, दावत मतलब खाने की दावत तैयार की गई थी। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, सिपाही रक्षा करने के लिए तैयार थे, फ्लैग वेव्स झंडे फहराए गए, एंड द क्राउड रोड, और भीड़ दहाड़ी चिल्लाई, अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी द ब्लड एंड थंडर फेस, और अर्नेस्ट भी दूर खड़ा होकर के ब्लड एंड थंडर फेस को देखने के लिए खड़ा था। हाउएवर फिर भी ही कुड हियर सेवरल वॉइस, बहुत सी आवाज़ों को सुन सकता था। इट्स सेम फेस एग्जैक्टली, एकदम वैसा ही ठीक
चेहरा, वैसा ही क्राइड वन मैन डांसिंग जॉय, आनंद से नाचते हुए व्यक्ति ने कहा, सेम फेस लाइक ग्रेट स्टोन फेस, वंडरफुली लाइक इट, दैट्स फेस फैक्ट, रिप्लाइड एंड द दूसरा कहा, वंडरफुली लाइक इट, मतलब अद्भुत रूप से समानता है, दैट इज फैक्ट, यही सत्य है, रिप्लाइड एंड द दूसरा कहा, एंड वाई नॉट, क्यों नहीं, क्राइड द थर्ड, तीसरा कहा, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एंड एनी अदर इज, बियॉन्ड इट आउट, निसंदेह, बियॉन्ड इट आउट मतलब निसंदेह, वह इस अथवा किसी अन्य इज का सबसे ग्रेटेस्ट व्यक्ति है, सबसे महान व्यक्ति है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस अनरेस्ट, अर्नेस्ट अंत में जनरल के चेहरे को देख सकता था, एंड इन द सेम ग्लैंस और उसी नज़र से टू द साइड ही कुड आल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा भी देख सकता था, देयर वॉज सच ए लाइकनेस एज क्राउड प्रोक्लेम्ड, अगर इस प्रकार से ऐसी कुछ समानता थी भीड़ ने, एज जैसा भीड़ ने प्रोक्लेम्ड किया, दावा किया, तो अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, अर्नेस्ट इसे पहचान नहीं सका, फियर नॉट अर्नेस्ट, अर्नेस्ट डरो नहीं, सेड हिज हार्ट, उसकी हार्ट ने कहा, उसके हृदय ने कहा, मन ने कहा, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज हिस्परिंग टू हिम, ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेट स्टोन फेस उसे फुसफुसा रहा है, मतलब उसके कान में धीरे से बोल रहा है, फियर नॉट अर्नेस्ट, फियर नॉट ही विल कम, अर्नेस्ट डरो नहीं वह आएगा। बच्चों, ये सेकेंड पार्ट फिनिश हुआ और नेक्स्ट लेसन हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।